हाय गाइस, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और वो मुद्दा है जॉब। आज हमें जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि जॉब मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो हमें कि भी टाइम भी नहीं मिलता है। और टाइम किस लिए नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी कंडीशन इस प्रकार की है कि हमें वर्क भी करना होता है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो दोनों काम ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से हम कोचिंग क्लासेज भी नहीं ले पाते और कोचिंग क्लासेस के बगैर सिलेक्टेड मेटर हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंपटीशन में हम और पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को वो चीज़ मिले, तो हमने जो ये और जॉब अलर्ट जो बनाया है यूट्यूब चैनल, इसमें हम आपको वो मैटर देंगे जो हम कंपटीशन पेपर में उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो पहले आए हैं, आगे आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में मैं और आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज सबसे पहले मैं एक ज्योग्राफी के चैप्टर पे और आपसे डिस्कस करता हूँ, और ज्योग्राफी के बारे में जो बताऊँ आपको, तो सबसे पहले बात करूँगा ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे आया, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इसकी जानकारी हमें और मिली। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक खगोल शास्त्री हुआ करता था, ज्योग्राफर क्लोडियस टॉलमी जिसका नाम था। और ये क्लोडियस टॉलमी ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड के मध्य में और पृथ्वी स्थित है, और ग्रह हैं, सूर्य हैं, वो इसके चक्कर लगाते हैं। और इस पूरी बात को उसने और एक वन वे में नाम दिया जियोसेंट्रिक। कहने का मेरा मतलब कि जियोसेंट्रिक क्या है, कि भी जियोसेंट्रिक पूरे ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ये जियोसेंट्रिक है जो क्लोडियस टॉलमी ने कहा। और ये बात है दूसरी सदी की, लगभग 140 ईस्वी के आसपास। लेकिन ज्यों ज्यों समय चेंज हुआ, समय चेंज होने के साथ साथ और एक और नया व्यक्ति, ज्योग्राफर प्रसिद्ध व्यक्ति आया जिसको आप बखूबी जानते हैं, जिसका नाम आपने बहुत सुना है, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि ये अवधारणा गलत है। तो भाई सही क्या है? कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है। अब इस घटना को उसने हेलियोसेंट्रिक बताया। कोपरनिकस ने वनवे में अपने कहा कि हेलियोसेंट्रिक पूरे ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है और ग्रह और अन्य जो उपग्रह हैं वो इसके राउंड लगाते हैं। तो ये तो था ब्रह्मांड के बारे में जो, और विभिन्न लोगों ने बताया कि यूनिवर्स क्या है, क्या कहाँ पे ब्रह्मांड में कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित और कोई अलग अलग टाइम पे और नए नए सिद्धांत लॉन्च हुए, जिसके बारे में बताया गया कि ब्रह्मांड बना कैसे, ये अस्तित्व में कैसे आया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साम्यावस्था सिद्धांत हुआ करता था, जिसकी जानकारी दी थॉमस गॉल्ड एवं हरमन बांडी ने। लेकिन समय चेंज हुआ और परिवर्तन आया, फिर आया दोलन सिद्धांत जो कि डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। लेकिन आज जो सबसे अथॉन्टिक सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसकी जानकारी हमें जॉर्ज लेमेटर ने दी। ये ज्योग्राफर हैं जो सबसे फेमस ज्योग्राफर के तौर पे आज की सदी में माने जाते हैं, जॉर्ज लेमेटर। इन्होंने बताया बिग बैंग सिद्धांत कि ब्रह्मांडीय विस्फोट के कारण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई अचानक विस्फोट के कारण, जिसको ब्रह्मांडीय विस्फोट कह सकते हैं। तो आज का सबसे और बखूबी मानने वाला अथॉन्टिक कोई और सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, तो वो बिग बैंग सिद्धांत है। इसके ऊपर जानकारी लेंगे कि जॉर्ज लेमेटर कहता क्या है। जॉर्ज लेमेटर बेल्जियम का एक ज्योग्राफर है जो प्रसिद्ध पादरी के तौर पे भी जाना जाता है। इसने ये और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत 1960-70 के दशक में बताया। जॉर्ज लेमेटर कहता है कि ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था और इसका निर्माण हुआ भारी पदार्थों से, और भारी पदार्थों से जब निर्माण हुआ तो इसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ, ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ, उसी को इसने नाम दिया बिग बैंग। विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांडीय विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिखराव होने से सामान्य पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूह से ब्रह्मांडीय पिंड बने, और ब्रह्मांडीय पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ, और समय बीता, धीरे धीरे समय में चेंजमेंट आया और उसके आकार में, पदार्थों के आकार में वृद्धि होने लगी, और वृद्धि होने से एक नई घटना, एक दृश्य हमें दिखाई दिया जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा का निर्माण हुआ ब्रह्मांडीय पिंडों के चारों पदार्थों की